हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन बनेगा यूनिवर्सल चैंपियन बहुत जल्द, प्लस कौन सी बड़ी मैच सेट हो गई है ऑलमोस्ट एट रेसलमेनिया 35। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी ना एक्सप्लोसिव न्यूज है, तो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। कौन बनेगा यूनिवर्सल चैंपियन हमारा बहुत जल्द, प्लस कौन सी बड़ी ड्रीम मैच ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है एट रेसलमेनिया 35, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, फिन बैलर को निकाला गया फ्रॉम WWE साउथ अमेरिकन टूर और उनको घर भेजा गया शो के बीच में ही। और कल के मंडे नाइट रॉ में अनाउंस हुआ है कि फिन बैलर इंजर्ड हो गए हैं और इसलिए उनको रिप्लेस किया है अपोलो क्रूज ने मिक्स मैच चैलेंज में। PW इंसाइडर ने रिपोर्ट दी है कि फिन बैलर किसी भी इंजरी से सफर नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो एक्चुअली बीमार है। और रिपोर्ट ये भी है कि WWE एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिन बैलर ठीक हो जाएंगे और मैच में कम्पीट करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर एट TLC पेपरव्यू। दोस्तों, नेक्स्ट बड़े अपडेट के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है बड़े रेसलमेनिया 35 के ड्रीम मैच के बारे में। WWE के COO Triple H एकदम सेट थे रेसलमेनिया 35 में मैच करने के लिए, पर फिर उनको क्राउन जूल में टॉर्न पेक्टोरल मसल की इंजरी हो गई, इसलिए उनके चांसेस टू रेसल एट रेसलमेनिया 35 थोड़े कम हो गए। जो ऑफ बार्न बर्नर्स पॉडकास्ट ने कहा कि इंजरी के बावजूद Triple H कम्पीट कर सकते हैं एट रेसलमेनिया 35 और उनकी एक ड्रीम मैच हमें देखने मिलेगी अगेंस्ट बटिस्टा। पर उसके लिए Triple H को एकदम जल्दी ठीक होना पड़ेगा और उन्हें अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी 100% फिट होने के लिए। तो फिर दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि Triple H वर्सेस बटिस्टा की बड़ी मैच होने का स्टिल चांसेस है एट रेसलमेनिया 35। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है कि आखिर कौन बनेगा यूनिवर्सल चैंपियन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर काफी कम आते हैं रॉ में, और रॉ को भी एक न्यू फेस देखना है एज अ चैंपियन। कुछ टाइम पहले दोस्तों रिपोर्ट्स आए थे कि रॉक जीतेंगे रॉयल रंबल 2019 और ऐसे फिर रेसलमेनिया 35 में रॉक ब्रॉक को बीट करके बनेंगे आपके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। ये रिपोर्ट्स ट्रू भी हो सकते हैं, पर दोस्तों अभी हमारे पास आई है न्यू रिपोर्ट्स जिसमें बेटिंग ऑड्स दिए है कि 2020 के टाइम तक कौन बनेगा यूनिवर्सल चैंपियन। तो दोस्तों, शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा बैटिंग ऑड्स लगे हैं द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन पर। ब्रॉन स्ट्रोमैन का मोमेंटम टूटता है जब भी वो ब्रॉक लेसनर के सामने आते हैं, पर अब उन्हें फिर से एक चांस मिल सकता है टू विन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप फ्रॉम ब्रॉक लेसनर एट रॉयल रंबल। पर उसके लिए उन्हें बैरन कॉर्बिन को हराना पड़ेगा एट TLC पेपरव्यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें ठीक होना पड़ेगा उनके एल्बो इंजरी से। दोस्तों, अगर आज रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन होते तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना थोड़ा मुश्किल होता, पर अब जब ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन है तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि कैसे प्लान्स होते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के इन द कमिंग टाइम। 2020 के लिए दोस्तों तो काफी टाइम है, उसके बीच हमें काफी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए ऑन रेसलिंग बादशाह। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीजों के बारे में बताइए। फर्स्ट, आप किसे यूनिवर्सल चैंपियन देखना चाहेंगे, एंड सेकंड, आपको क्या लगता है बटिस्टा वर्सेस Triple H की ड्रीम मैच होगी एट रेसलमेनिया 35। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।